हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक जबरदस्त टॉपिक। आज हम एक्चुअली बात करेंगे सीमेन और स्पर्म के बारे में। सीमेन और स्पर्म का एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है, किसका क्या काम होता है, प्रेगनेंसी यानी कि फर्टिलाइजेशन बनाने के लिए सीमेन का क्या जरूरत होता है, स्पर्म का क्या जरूरत होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किसका होता है। और कुछ लोगों का कुछ गलत फहमी भी हो जाता है, गलत सोचते हैं, सोचना गलत हो जाता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सीमेन और स्पर्म दोनों सेम चीज होता है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि फर्टिलाइजेशन जब बनता है सीमेन के द्वारा ही बनता है, और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मेरा तो सीमेन सबसे ज्यादा निकल रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट से निकल रहा है, तो फिर मेरा प्रेगनेंसी क्यों नहीं आ रहा है। तो ये सारा कॉन्फ्यूजन को मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने का कोशिश करूंगा। और आज का ये वीडियो देखना सबसे ज्यादा जरूरत है अगर सच में आपका फर्टिलाइजेशन का प्रॉब्लम है, यानी कि बच्चा पैदा करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको सीमेन और स्पर्म के बारे में नॉलेज रहना बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपका सच में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है, बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, या तो फिर फर्टिलाइजेशन में किसी भी टाइप का डिफेक्ट आ रहा है, तो आपको सीमेन और स्पर्म के बारे में आपका नॉलेज रहना बहुत ज्यादा जरूरत है। बाद में आप उसको ट्रीटमेंट करके आपका फर्टिलाइजेशन बना सकते हैं और आपको सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आ जाएगा। तो इसलिए आज की इस वीडियो आपको सभी को देखना बहुत ज्यादा जरूरत है, लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकॉन को भी ऑल प्रेस करके जरूर जाना। तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले एक चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, इस नॉलेज आपका बिल्कुल रहना ही चाहिए, सभी को इस नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले आपको यह समझ लेना चाहिए कि सीमेन और स्पर्म एक्चुअली होता क्या है, सीमेन और स्पर्म का डिफरेंस क्या है, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरत है। और बाद में मैं आपको बताऊंगा किसका क्या काम होता है, सीमेन का क्या काम होता है, स्पर्म का क्या काम होता है, और फर्टिलाइजेशन कौन बनाता है, यानी कि प्रेगनेंसी कौन लाता है, सीमेन लाता है या तो फिर स्पर्म लाता है। तो सबसे पहले आपको समझ लेना है सीमेन और स्पर्म एक्चुअली होता क्या है। देखिए, अगर आप पुरुष हो, यानी कि अगर आप आदमी हो, तो आदमी का शरीर में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर जो सेमाइनल वास्कुलर ऑर्गन होता है उसके अंदर ही सीमेन बनता है। सीमेन एक टाइप का सेमाइनल फ्लूइड होता है, जो कि एक टाइप का तरल सिंपल सा पदार्थ होता है, चिपचिपा टाइप का पदार्थ होता है, तो वहां से सीमेन बनता है। और आपका स्पर्म बनता है, आपका दोनों जो टेस्टिस होता है, दोनों गली गली होता है, दोनों गोली होता है, उस गली के अंदर ही आपका स्पर्म बनता है। स्पर्म एक टाइप का स्पर्माटोजेनेसिस होता है, जो कि बहुत ही छोटे 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 पदार्थ होता है, जो कि आप खाली चौक में देखने का कोशिश करोगे तो नहीं देख पाओगे, माइक्रोस्कोप का सहारा लेके अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जब आप सीमेन को, यानी कि जब आप फिजिकल रिलेशनशिप करते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप करते समय जब आपका सीमेन का इजाकुलेट का टाइम हो जाता है, तब क्या होता है, आपका जो दोनों टेस्टिस होता है, गोली होता है, उस गोली से ही स्पर्म निकल के आ जाता है, जो जो टेस्टिस का जो ट्यूब होता है उसके अंदर ही स्पर्म निकल के बाहर थोड़ा सा बाहर आ जाता है। उसके बाद आपका सेमाइनल वास्कुलर जो ऑर्गन होता है वहां से सीमेन निकल के आता है, सीमेन और स्पर्म दोनों एक साथ मिक्सअप होता है। उसके बाद छोटे नाली के माध्यम से, आपका पेनिस का जो छोटे नाली होता है उसके माध्यम से सीमेन और स्पर्म मिक्स होकर बाहर में आ जाता है, यानी कि जब आप सीमेन को आप इजाकुलेट कर देते हैं। तो सीमेन और स्पर्म दोनों एक साथ ही मिक्स होता है, सीमेन अलग सा चीज है, स्पर्म अलग सा चीज है, आपने समझ लिया। आपका मन में कॉन्फ्यूजन रह जाता है कि किसका क्या काम होता है, सीमेन का क्या काम होता है, स्पर्म का क्या काम होता है, कौन फर्टिलाइजेशन बनाने के लिए किसका क्या काम होता है, सबसे ज्यादा फर्टिलाइजेशन बनाने के लिए किसका सबसे ज्यादा जरूरत होता है। तो देखिए, आप लोगों को पता ही होगा, आपका स्पर्म तो टेस्टिस में बनता है और सीमेन बनता है सेमिनल वास्कुलर ऑर्गन में, तो दोनों एक साथ मिक्सअप होकर बाहर में आ जाता है। तो देखिए, स्पर्म जो होता है, एक टाइप का स्पर्माटोजेनेसिस होता है, आप लोगों को पता होगा, स्पर्म का काम है, एक्चुअल जो स्पर्म का काम है आपका फर्टिलाइजेशन को बनाना, स्पर्म का ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बिना स्पर्म से आपका फर्टिलाइजेशन नहीं बनेगा। स्पर्म क्या होता है, सीमेन की मदद से बाहर में निकलता है, और स्पर्म जब आपको, यानी कि जब सीमेन और स्पर्म दोनों एक साथ बाहर में निकल के आ जाता है, जब आपका वाइफ का या तो फिर पार्टनर का आप वैजाइना में सीमेन को निकल देते हैं, उसके बाद सीमेन की मदद से ही स्पर्म निकल के बाहर में आ जाता है और वैजाइना से लेकर यूट्रस तक पहुंचता है, धीरे धीरे यूट्रस से लेकर जो फॉलोपियन ट्यूब होता है आपका वाइफ का फॉलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है। उसके बाद ओव्यूलेशन का डेट में आपका वाइफ का दोनों ओवरी से
अंडा निकल के आता है, एक निकल के रिलीज होके आता है, उसके बाद दोनों यानी कि एक का साथ और सीमेन सीमेन के अंदर जो स्पर्म होता है उसका साथ एक साथ फर्टिलाइजेशन बनता है, जिसकी वजह से आपको एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी रिजल्ट देखने को मिलता है। तो देखिए यहां पर स्पर्म के बिना यानी कि सीमेन के बिना स्पर्म अधूरा है, स्पर्म के बिना सीमेन अधूरा है, दोनों ही जरूरत होता है आपका फर्टिलाइजेशन बनाने के लिए, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरत है। तो देखिए WHO के अनुसार आपका जो सीमेन का वॉल्यूम होना चाहिए वो होना चाहिए मिनिमम 1.5 ml से ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कम हो जाएगा तो आपका फर्टिलाइजेशन नहीं आएगा, वो आगे चल के आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं आएगा। उसके बाद WHO के अनुसार आपका स्पर्म का जो टोटल काउंट होना चाहिए पर ml में, पर ml सीमेन में आपका स्पर्म होना चाहिए 15 मिलियन पर ml ऑफ सीमेन होना चाहिए, क्योंकि एक बूंद जो आपका स्पर्म होता है सीमेन होता है उस एक बूंद सीमेन के अंदर आपका मिलियन मिलियन स्पर्म मौजूद होता है। तो पर 1 ml सीमेन में आपका 15 मिलियन स्पर्म मौजूद होना चाहिए, समझ गए। तो देखिए सबसे पहले तो जब आप सीमेन को इजैकुलेट करते हैं स्पर्म और सीमेन मिक्स का होकर बाहर में आ जाता है, और आप वाइप का वजाइना में जब स्पर्म को छोड़ देते हैं यानी कि सीमेन को इजैकुलेट करते हैं, तब क्या होता है थोड़ा सा जो सीमेन होता है, देखिए स्पर्म तो अकेला नहीं जा पाएगा, सीमेन का सहारा लेके स्पर्म बाहर में निकल के आ जाता है। तो जब आप इजैकुलेट करते हैं उसी टाइम क्या होता है आपका वाइप का वजाइना से लेकर यूट्रस तक जो सेमिनल फ्लूइड होता है थोड़ा सा लग जाता है यानी कि थोड़ा सा रह जाता है। तो सीमेन का वॉल्यूम अगर कम हो जाएगा तो सही जगह पहुंच नहीं पाएगा स्पर्म, सीमेन भी पहुंच नहीं पाएगा यानी कि यूट्रस तक पहुंच नहीं पाएगा। तो आपका सीमेन का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होना चाहिए 1.5 ml ऑफ सीमेन होना चाहिए, उसके ऊपर भी होना चाहिए, जिसकी वजह से उस सीमेन स्पर्म को कैरी करके ले जाएगा और यूट्रस तक पहुंच जाएगा, समझ गए। स्पर्म का काम है आपका फर्टिलाइजेशन बनाना, मेन मुद्दा यह है, और सीमेन का काम है आपका स्पर्म को कैरी करके ले जाना। सीमेन फर्टिलाइजेशन नहीं बनाता है, एक चीज आपको ध्यान में समझना है, सीमेन फर्टिलाइजेशन नहीं बनाता है, स्पर्म ही फर्टिलाइजेशन बनाता है। तो प्रेगनेंसी के लिए दोनों चीज का जरूरत सबसे ज्यादा होता है, स्पर्म का भी जरूरत जितना ज्यादा होता है सीमेन का भी उतना ही ज्यादा जरूरत होता है। और ये जो चीजें मैं बहुत ही इजीली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो उसके बाद इजैकुलेट करने के बाद आपका स्पर्म सही जगह में पहुंच जाएगा, उसके बाद आपका फर्टिलाइजेशन बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है सीमेन और स्पर्म का, कुछ स्टेप का प्रोसेस है और इसका डिफरेंस कुछ स्टेप का है। और सीमेन का भी जितना क्वांटिटी ऑफ सीमेन जरूरत होता है स्पर्म का भी क्वांटिटी उतना ही जरूरत होता है आपका फर्टिलाइजेशन बनाने के लिए, समझ गए। कुछ लोगों का गलत फहमी ये हो जाता है कि सीमेन और स्पर्म दोनों एक चीज है, तो आपने समझ लिया सीमेन और स्पर्म दोनों ही अलग अलग चीज है, सीमेन के बिना स्पर्म अधूरा है, स्पर्म के बिना भी सीमेन अधूरा है, और सीमेन का कम हो जाए स्पर्म कम हो जाए इसके अंदर किसी भी एक कम हो जाए तो आपका प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं आएगा, समझ लिया। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि सीमेन ही उसको फर्टिलाइजेशन बनाता है, देखिए सीमेन फर्टिलाइजेशन नहीं बनाता है, सीमेन का काम है स्पर्म को कैरी करके ले जाना, सही जगह तक पहुंचा देना, ठीक है ना। स्पर्म का काम है आपका एक्चुअल फर्टिलाइजेशन बनाना, बेबी लाना स्पर्म का काम है। और कुछ लोगों को यह लगता है कि मैं जब सीमेन को इजैकुलेट करता हूं तो बहुत ज्यादा सीमेन निकलता है, समझ लिया, बहुत ज्यादा सीमेन निकलता है तो फिर मेरा प्रेगनेंसी क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए सीमेन अगर सबसे ज्यादा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपका सीमेन ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपको यह देखना है, सीमेन एनालिसिस जांच करना है और यह देखना है आपका सीमेन के अंदर कितना मिलियन स्पर्म मौजूद है, यानी कि पर एमएल ऑफ सीमेन में कितना मिलियन स्पर्म मौजूद है वो आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना। अगर आपका सीमेन ज्यादा है स्पर्म कम है तो आपका प्रेगनेंसी नहीं आएगा। उसके अलावा अगर आपका स्पर्म ज्यादा है सीमेन कम है, सीमेन का वॉल्यूम कम है तो फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आएगा, क्योंकि स्पर्म सही जगह पहुंच नहीं पाएगा, समझ लिया। तो और भी कई प्रकार का कॉन्फ्यूजन हो जाता है। और एक चीज है, कुछ लोगों को आप देखने का कोशिश करोगे कि जो वीर्य निकलता है यानी कि सीमेन निकलता है उसके अंदर स्पर्म रहता है, गाढ़ा टाइप का होता है, कुछ लोगों का बहुत ही चिपचिपा टाइप का होता है, तरल पदार्थ टाइप का होता है, वो हो सकता है, क्योंकि जिसका गाढ़ा टाइप का होता है वो या तो फिर वो जिम वगैरह करता है या तो फिर बहुत ही अच्छे डाइट लेते हैं, उसके अंदर बहुत अच्छा सा सीमेन के अंदर बहुत ही अच्छा सा न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मौजूद होता है, प्रोटीन मौजूद होता है, जिसकी वजह से गाढ़ा हो जाता है। उसके अलावा कुछ लोगों का बहुत चिपचिपा पतला टाइप का पदार्थ हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको समझ लेना चाहिए कि आपका सीमेन में न्यूट्रिएंट्स कम मौजूद नहीं है, बहुत ही कम है, और
पतला टाइप का हो भी सकता है, कभी कोई भी किसी प्रकार का रीजन हो सकता है। तो जितना ज्यादा गाढ़ा होगा सीमेन का वॉल्यूम, जितना ज्यादा गाढ़ा होगा आपका प्रेगनेंसी लाने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए आपको अच्छी डाइट लेना है, आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का आपका बॉडी में जरूरत है, आपको एक्सरसाइज करना है। और अगर सच में किसी भी टाइप का डिफेक्ट आ रहा है, आपको फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, आपका आप बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको पहले सीमेन एनालिसिस जांच करना है, उसके बाद आपको और एक जांच करना है, सीमेन का कल्चर जांच करना है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल फंडा क्या हो रहा है, एक्चुअल प्रॉब्लम किसका हो रहा है, सीमेन का हो रहा है या तो फिर स्पर्म का हो रहा है। बाद में आप इसको ट्रीटमेंट करा सकते हैं, अच्छा सा इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाके आप इसको बाद में ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और आपका सच में सीमेन का कम हो गया है, स्पर्म कम हो गया है, तो उसको ट्रीटमेंट, उसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। ट्रीटमेंट करा के आप स्पर्म को इंक्रीज करा सकते हैं, सीमेन का वॉल्यूम को इंक्रीज करा सकते हैं और आपको एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो आपको एक बढ़िया सा इंफॉर्मेशन दिया है सीमेन और स्पर्म के बारे में डिफरेंस बताया, उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी भी टाइप का कॉन्फ्यूजन हो रहा है, दिक्कत आ रहा है, तो आप इस वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कुछ कमेंट करके भी बता सकते हैं। अदरवाइज फिर भी किसी भी टाइप का दिक्कत आ रहा है, परेशानी आ रहा है, तो आप हमारा इंस्टाग्राम आईडी पे जा सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का डायरेक्ट लिंक भी आपको इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप जाके कुछ भी सवाल आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।